अब व्हाट्सएप यूजर्स इसी ऐप से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने गुरुवार को व्हाट्सएप को अप्रूवल दे दिया है। लगभग 3 साल से व्हाट्सएप को इसका इंतजार था और अब कंपनी ने इसे भारत में लाइव कर दिया है। व्हाट्सएप UPI बेस्ड पेमेंट की टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है। फेसबुक इंडिया हेड अजीत मोहन ने कहा है कि भारत में व्हाट्सएप पर पेमेंट लाइव हो चुका है और लोग व्हाट्सएप के जरिए पैसे भेज सकेंगे। हम इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि कंपनी भारत के डिजिटल पेमेंट शिफ्ट में योगदान दे सकेगी। भारत में व्हाट्सएप पेमेंट 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। अगर आपके व्हाट्सएप ऐप में पहले से ही पेमेंट का ऑप्शन है तो अब आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं है तो व्हाट्सएप अपडेट करके पेमेंट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पेमेंट यूज करने के लिए कस्टमर्स के पास डेबिट कार्ड होना जरूरी है जो UPI सपोर्ट करता है। व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन में जाकर आप बैंक सेलेक्ट करके डिटेल्स दर्ज करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, आज देश भर के व्हाट्सएप यूजर्स इस ऐप से पेमेंट कर पाएंगे। व्हाट्सएप का सिक्योर पेमेंट एक्सपीरियंस पैसे भेजने को मैसेज भेजने जितना ही आसान बना देगा। व्हाट्सएप ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी UPI बेस्ड पेमेंट इंटरफेस तैयार किया है और इसमें डेटा लोकलाइजेशन का भी ध्यान रखा गया है। व्हाट्सएप ने पेमेंट सर्विस के लिए 5 बड़े बैंकों से साथ करार किया है। इनमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और जियो पेमेंट्स बैंक शामिल हैं। गौरतलब है कि व्हाट्सएप से सिर्फ व्हाट्सएप में पैसे नहीं बल्कि व्हाट्सएप से किसी भी UPI सपोर्टेड ऐप में भेज सकते हैं। यानी अगर अगला शख्स व्हाट्सएप पेमेंट यूज नहीं कर रहा है तो भी आप व्हाट्सएप से पेमेंट कर पाएंगे। व्हाट्सएप के मुताबिक यहाँ पेमेंट करना सिक्योर होगा और हर ट्रांजेक्शन के लिए UPI पिन की जरूरत होगी। स्टेटमेंट में कंपनी ने कहा है कि व्हाट्सएप पेमेंट्स एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसके लिए यूजर्स ऐप अपडेट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।